ये कहानी सुनूंगा ठीक छू। तो कुमाऊनी में कहानी सुनूनो, एक छी हाथी, क्यों छी हाथी। तो हाथी जो छी बहुत है ताकतवर छी और बहुत है बान छी। और वो एक जंगल में रुची, कहाँ रुची? जंगल में। तो वो जंगल में रूनी जो साधु सन्यासी छी, जो महात्मा जी छी, वो उनर बहुत है सेवा कर छी और उनर मदद ल कर छी ठीक छू। तो जो साधु सन्यासी छी, जो महात्मा जंगल में रुचि, वो उनके देख भर बहुत है खुश छी। तो एक दिन एक महात्मा जी उधर कहा कि तू मिथे के वरदान मांग ले कि लगी मैं तेरे सेवा का देख भेर बहुत है खुश हूँ। तो अब जो हाची विल संकोच करते करते विल कहा कि महात्मा जी अगर तुम मिके देख भेर खुश छा और मिके के दिना चा छा तो तुम मिके मनखियो जैसी के दी दियो बुद्धि दी दियो ठीक छू। तो महात्मा जी कहा ठीक छू और उन्होंने उनके मनखियो जैसी बुद्धि दी दे और उनके वीक मन चाहा वरदान दे दे। तो अब जब मन की वजह बुद्धि वीक पास आगे, वीक नाम ले उन्होंने धरा वामदेव। तो वीक नाम ले उन्होंने धर दे वामदेव। तो जब वो जो हाची वामदेव वीक बुद्धि मन की जस हगे तो वो साधु सन्यासी और संगत में रबेर वो उनराचारी उले जो शास्त्रोक विद्वान हो पंडित हो ठीक छू। तो अब जदिन ले या जबत ले वो महात्मा जी को सभा इकट्ठे हो ची तो हाथ ले वो मैं भेजा ची और चुपचाप से उनर बातन के सुन ची। तो अब जब उगे कह की बात नग लग ची तो का भत है घुसू ची, क्यों ची? घुसू ची। परंतु मन के जब वीक आवाज नहीं ची, वो बुला बुला नहीं सकती तो तू तो उगे भत है नौकला लग जाची और गुस्से तो ऊंची ऊंची और उनके भत्ते नौकला लग जाची। तो अब जब वीक मन की वजह से बुद्धि आगे तो उनके अपन बार में ले बहुत है बात समझ में उड़ गए। तो आप जैसे कि उनके लिए मैसनो चारी लुकुड़ पैरेंट चैनी। तो लेकिन अब वो अपुन लीजिए लुकुड़, अपुन लीजिए धोती, अपुन लीजिए कुर्त, अपुन लीजिए टोप काबे लुची। तो और फिर उनके ये बात ला समझ उन फगी कि अब बिना लुकड़े अगर वो जाला तो उनका शर्म उची ठीक है, और वो इतका उतका गंदगी करची तो उनका उमले शर्म होने लगी। तो अब इसके क्या हुआ, वो बहुत है दुखी रोन लगो ठीक है। अब वो क्या क्या बतूची, अपन बात का क्या क्या बतूची, कदर के पूछी, अपने जी लुकड़ काबे लुची। तो वो दुखी रोन लगो और वो कुड़ कुड़ बेर रोन लगो और उन्हें उन्हें वही कुड़न बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए ठीक छू। और वो दुखी रुण लागो, के रुण लागो? दुखी रुण लागो। तो एक दिन विल के करो वो जंगल वहां पे भैर गो और वहां पे वो भैर निकल गो। तो वो यह देखना चाची कि ये दूनी में कास कास मन की प्रोनी। तो आप घुमन घुमन एक जाग पूजो तो वो जाग में विल देखो कि कुछ मैज भैरी और वो आराम वाल कुर्सी में भैरी और वो चाह पीनी और आरामल टीवी देखनी, उमें पिक्चर देखनी और बड़ा बहुत है खुश छन। तो उनको देख के फिर वो हाथी जो वामदेव छी वीर मन में ले उससे इच्छा होने लगे कि उले जैसे के भैबे चाह पियो और अपन दगड़ियों दगड़ बैठो और पिक्चर देखो। तो परंतु कर तो के नहीं सकती। तो अब क्या हुआ, अब मन की वजह से जब वीक बुद्धि आ गए तो धीरे 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 वीक इच्छा बढ़ने लगी। तो वो सोचने लगो कि मैं यसला कर सकूं लेकिन वो केला नहीं कर सकती। तो के अपन इच्छा अपन मन इच्छा पूर्ण नहीं कर सकने कारण वो बहुत है दुखी रूण लागो और वो बहुत है दुबा हो गो ठीक छू। तो एक दिन क्या हुआ, वो महात्मा जी उनका देखा, उन्होंने देखो कि तो बहुत है दुबा हो ना। तो उन्होंने उसे कहा कि वामदेव वे कहा कि चला तू तू का क्या होगा, मेन तो तू के तेरे मन मन चाह वरदान ले दिया ला परंतु तू आई ले खुश नहीं दिखने है, तू के के बात अब दुख हरा, तू के कष्ट छू मी का बता। तो जो वामदेव जी ओके डाड़ आगे तो वील का वील अपन सूडल महात्मा जी खुद पकड़ ली ठीक छू। तो खुद पकड़ ली और वील का महात्मा जी जो तुमून मी का वरदान दे रहो छी ओके तुम वापस ले लियो कि लकी मैं तुम्हार वरदान के लिबेर और मन की जस बुद्धि में मैं आगे तो मैं बिल्कुल ले खुश ना थू। तो मन की जस बनबेर में बिल्कुल ले खुश ना थू, मैं जस पहली छी मुके उसे बढ़ा दियो। तो महात्मा जी का ठीक छू, तो उन्होंने अपन वरदान के वापस ले ले ठीक छू। तो क्या करो, उन्होंने अपन वरदान के वापस ले ले। तो अब जो हाथी छी वामदेव वो बहुत खुश हगो, वो पहली जस मस्त हगो
और आबू खुशी वो समझ गुची कि जो भगवान छन वो जस जस हमका बनूनी जस जगह बनूनी उसे अनुसार होकर बुद्धि ले देनी। तो हमका यह नहीं सचन चाहे कि दूसरा पास ये अच्छू तो हमारे पास ले उसे हो चाहे। तो हमका यह सोच सोच पे कि जस हम छा उसे हम ठीक छा तो हमका खुश होना चाहे और हमका दूसरा जस करना है मतलब कि करने इच्छा नहीं होनी चाहिए कि लगी अगर हम सोचनो कि हमले वीक चार है दुहरे चार हजानो या मतलब कि आशा करनो तो हम अगर हम उस नहीं कर सकन तो हम के उन हम के हजानो दुखी हजानो और हम खुश नहीं रह सकन। ठीक छो तो कस लगी कहानी।